विश्व के अधिकांश देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर प्रदेश में कर्फ्यू लगाकर शहरों व गांवों तक सड़क गलियों को सैनिटाइज का काम चल रहा है, जिसके तहत ज्वालामुखी में एसडीएम अंकुश शर्मा के निर्देशानुसार नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला के निर्देश पर फायर ब्रिगेड के वाहनों से ज्वालामुखी बस स्टैंड, मुख्य सड़कों, एसडीएम कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। अग्निशमन विभाग के कई कर्मचारी इस कार्य में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद के निर्देश के अनुसार शहर के वार्डों, गलियों में ब्लीचिंग पाउडर के घोल का भी छिड़काव किया जा रहा है। ज्वालामुखी की कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला ने बताया कि सैनिटाइज के लिए फायर ब्रिगेड के वाहन से छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद को पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों सहित जागरूक लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। एसडीएम अंकुश शर्मा ने कहा कि सभी का प्रयास है कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हुए कोरोना मुक्त बनाया जाए। कुछ लोगों द्वारा कर्फ्यू का अनुपालना नहीं की जा रही है, वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी को कोरोना मुक्त रखने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके तहत हर जगह सैनिटाइज की जा रही है। इस कार्य में नगर परिषद भी सहयोग कर रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्वाला जी में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में आज एक बार फिर से एमसी के सहयोग से सैनिटाइजेशन जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, एसडीएम ऑफिस प्रमाइस है, उसमें सैनिटाइजेशन करवाई गई है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। थैंक यू।